अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास अमल लाए हैं जो बरकत के हवाले से हैं। अगर आप बेबरकती के शिकार हैं, आपके रिज़्क में बरकत नहीं, आपके औलाद में बरकत नहीं, आपके कारोबार में बरकत नहीं, घर में मसाइब है, तो ये अमल आपके लिए हम लाए हैं। बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है, कई दफ़ा इसका तजुर्बा किया है, बहुत ज़्यादा मुफीद है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर आप ये अमल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक अगर आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, काफ़ी ज़्यादा असरात आपको इसके नज़र आएंगे। बहुत ही ज़्यादा मुफीद अमल है। अमल बताने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर ले, साथ में वीडियो को भी लाइक कर ले। तो हम आपको बरकत के हवाले से एक ख़ास अमल बता रहे हैं। थे सबसे पहले हम आपको कुरान करीम की एक आयत बताते हैं, उसका तर्जुमा बताते हैं, फिर अमल बताते हैं और उसका तरीका बताते हैं। कुरान करीम की एक आयत है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये कुरान करीम की एक आयत है जिसका मतलब ये है कि इस कुरान करीम में कोई शक शुबा नहीं। ये आयत बरकत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तरीके ये है कि आपने 41 बार इस आयत को मुसलसल 3 दिनों तक पढ़ना है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने ज़्यादा असरात हैं, कितने ज़्यादा फ़वाइद है। सिर्फ 3 दिन का अमल है, आप 3 दिन तक ये अमल कर ले इंशाअल्लाह घरों में खैर बरकत, औलाद में खैर बरकत, कारोबार में बरकत ही बरकतें आपको नज़र आएगी। तरीका ये है कि आपने दोपहर 3 बजे के बाद ये आयत 41 दफ़ा पढ़ना है और पढ़ने से पहले जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं उसको अपने दिमाग में हाजिर करके पढ़ना है और इंशाअल्लाह आप इसके असरात से मुस्तफ़ीद होंगे।